अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हाउ टू चैनल। ये मेरा फर्स्ट रिकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि किस तरह यूट्यूब बैनर बनता है। तो पहले तो बहुत से लोग इस कोशिश में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, हालांकि ये बहुत इजी वे है। सबसे इजी वे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह आप यूट्यूब पे अपना चैनल बना के उसके ऊपर लोगो किस तरह डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये इस पे आपने जो है जाना है और क्रिएट एन अकाउंट करना है क्रिएटर स्टूडियो में जाके व्यू चैनल। तो आपको यहाँ पर ऐड चैनल आर्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये जो है हमारा चैनल आर्ट का ये एक नाम कह लो, यहाँ पर आप अपना जो चैनल नाम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो किस तरह आपने ये बैनर बनाना है मैं आपको आज बताने लगी हूँ कि किस तरह आप ये बना सकते हैं बैनर ऐड। तो यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड एंड ये ऐड चैनल आर्ट, यहाँ पर जो आपको ये नज़र आ रहा है इसको क्लिक करना है। इसको आपने क्लिक किया, ऐड चैनल आर्ट एंड देन ये पेज ओपन हो जाएगा। तो जब ये पेज ओपन आपका होगा तो सिलेक्ट एन फ़ोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो आपको कंप्यूटर से एक फ़ोटो लेनी है, तो लेकिन आपने पहले ये सीखना है कि किस तरह जो है हम चैनल आर्ट बना सकते हैं। तो ये हाउ टू क्रिएट अ चैनल आर्ट को क्लिक करना है और यहाँ पर जो है हमारे पास एक पेज यूट्यूब पेज आ जाएगा। ये यूट्यूब हेल्प पेज है, यहाँ पर आके जो है आपने गेट एन इमेज फॉर चैनल आर्ट इसको क्लिक करना है। इमेज साइज एंड फाइल इसको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है कि चैनल आर्ट किस किस्म का होना चाहिए, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के मुताबिक कितना चैनल आर्ट की क्या साइज़ होना चाहिए, उसकी हाइट या विड्थ कितनी होनी चाहिए, और मोबाइल से अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो उसकी क्या साइज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमें चैनल टेम्पलेट मिल जाता है। तो आपने चैनल आर्ट टेम्पलेट ये लिखा हुआ है, चैनल आर्ट टेम्पलेट को क्लिक करना है। तो आपके पास ये चैनल आर्ट टेम्पलेट ओपन हो जाएगा, इसको ओपन करना है। डाउनलोड हो गया, इसको ओपन करके आपके पास कुछ इस तरह का चैनल आर्ट टेम्पलेट आ जाएगा। तो जो है आपने क्या करना है कि ये चैनल आर्ट टेम्पलेट आपको बाहर आपके डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा, सेव कर लेना है। और फिर आपने एक डॉट को मैं आपको बताती हूँ उस पर जाके अपना आपने चैनल आर्ट लिखना है। तो वो डॉट को मैं बी फंकी ऑनलाइन फ़ोटो एडिटर इसके ज़रिए क्या होगा फ़ोटो एडिटर, ठीक है। ये आपने लिख के इसका पहले वाला ये क्लिक कर देना। ये ऐसा जो है ये फ़ोटो एडिटर भी है, इसमें कोलाज मेकर भी है, और ये मुख्तलिफ किस्म का एक इफ़ेक्ट देने के लिए, ब्लर या कुछ भी इफ़ेक्ट देने के लिए ये यूज़ हो जाता है। तो जो है इसको किस तरह यूज़ करना है, तो हमने फ़ोटो एडिटर में जाना है, इस वाले पेज के ऊपर इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, जो मैंने अभी चैनल आर्ट टेम्पलेट डाउनलोड किया है, तो यहाँ इसको अपलोड कर देना। तो मैं आपको बताती जाऊँ, इन्होंने यहाँ लिखा है डेस्कटॉप मैक्सिमम। डेस्कटॉप पे अगर आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसके लिए आपका डेस्कटॉप साइज़ इतना होगा, यानी कि अगर मैं आप लोग कंप्यूटर से यूज़ कर रहे हैं आपका साइज़ इतना होगा, और अगर आप मोबाइल से अपलोड कर रहे हैं तो आपका साइज़ ये अगर आप कंप्यूटर से अपलोड कर रहे हैं तो आपका साइज़ जो है वो इतना होना चाहिए, मतलब देखें अगर आपका डेस्कटॉप है तो उसका साइज़ जो है वो इस तरह का, जो डेस्कटॉप साइज़ है वो उसका साइज़ इतना होना चाहिए,
अगर आप कंप्यूटर से कर रहे पूरा, ठीक है। और अगर आप कंप्यूटर से अपलोड नहीं कर रहे या फिर आप किसी और जगह से अपलोड कर रहे हैं, तो उसका साइज़ मैक्सिमम उसका साइज़ जो है इतना होना चाहिए, ये डार्क लाइन जितना, ठीक है। अगर आप मोबाइल से अपलोड कर रहे हैं, तो अभी जो है मैं कंप्यूटर से अपलोड कर रही हूँ, तो मेरा जो साइज़ जो है वो इतना ही होगा, ठीक है, पूरा। तो ये कितना साइज़ है, इसकी विड्थ है 2560 और हाइट है 1440। तो ये मैं इसको लॉक इस तरह कर दूँ, ठीक है। और इस तरह अब आप जो है इसके अंदर मुख्तलिफ इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, और जो है आप इसके ऊपर ग्राफिक कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे ग्राफिक्स हैं जो फ्री हैं और कुछ फ्री नहीं हैं, आपको जो है फ्री यूज़ करने पड़ेंगे। तो टच अप कर सकते हैं, इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, जैसे मैं अगर आपको टेक्स्ट डालूँ तो पहले फीचर में जाके ये देखें, फीडर फीचर है, इसमें पास है, पास फीचर, जिस तरह ये आ गया, ठीक है। इस तरह आप कोई भी अपने पास से डाल सकते हैं लोगो बनाने के लिए, जैसे ये हो गया। और उसके बाद जो है फ्रेम्स आप डाल सकते हैं, ड्रॉप शेडो फ्रेम्स, कोई भी आप जितना उसका साइज़ चाहें कर लें, और कोई भी आर्ट वगैरह डाल सकते हैं और इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं। सो यहाँ पर जो है एक पॉइंट है पेंट ब्रश, सो आप ये पेंट ब्रश इस्तेमाल करें और साइज़ ब्रश का बड़ा कर दें। इस तरह जो है आप अपना YouTube बैनर आसानी से बना सकते हैं, और इसके ऊपर टेक्स्ट कर दें कोई भी चीज़ का टेक्स्ट। ओ सॉरी, मैंने उसको सेव नहीं किया, तो फिर दोबारा टचअप में जाके जो है पेंट ब्रश, और पेंट ब्रश से सारा ब्रश आपने इसको इस तरह कर लेना है। कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं, और नीचे जाके आपने इसका अप्लाई कर देना है। तरह जो है रेड कलर करके आप इसके ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट। इसका आप साइज़ बड़ा कर सकते हैं यहाँ सर, जैसे मेरा चैनल है हाउ टू, तो यहाँ पर हाउ टू लिख देंगे। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो इस तरह कलर भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और इसका कलर चेंज करके ये देखें कुछ इस तरह का बन जाएगा। आप इसको कहीं भी फिक्स कर सकते हैं, इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, इस तरह हर किस्म का आप जो है टेक्स्ट अंदर डाल सकते हैं। तो ये आज का मेरा था कि किस तरह जो है मैं आपको दिखा दूं कि मैंने भी एक टेम्पलेट बनाया इससे देख के, ये प्रीव्यू है हाउ टू फिक्स योर एवरीथिंग सब्सक्राइब माई चैनल। इस तरह ये मैंने जो है अपना चैनल आर्ट बनाया है। तो आई होप गाइस कि आप इसको लाइक करें। इस तरह जो है मैंने ये एक नया हाउ टू फिक्स योर एवरीथिंग सब्सक्राइब माई चैनल। तो आई होप गाइस आपने पसंद किया होगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो। सो कीप इन टच विद मी।